हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। सिगोरिन डिफेंस की सीरीज अभी चल रही है। सिगोरिन डिफेंस हमने लास्ट टाइम थर्ड NF3 वेरिएशन देखे थे। थर्ड NF3 वेरिएशन में कई बार मूव ऑर्डर चेंज होके भी सिगोरिन हो सकता है, और मूव ऑर्डर चेंज होके कैसे सिगोरिन होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में कुछ अलग वेरिएशन भी हम देखेंगे, जैसे कि D4 वाइट खेलता है, हम D5 खेलते हैं। कई बार थर्ड NF3 के बजाय व्हाइट सेकंड NF3 करते हैं। अब सेकंड NF3 में हम सिगोरिन खेल सकते हैं, पर वो चांसेस डिपेंड्स ऑन व्हाइट थर्ड मूव। लाइक के हमने Nc6 कर दिया और व्हाइट ने यहाँ पे C4 किया, तो ये वेरिएशन हो जाएगा थर्ड NF3। लेकिन ये एक चांस लेने जैसी बात है, तो मैं सिगोरिन प्लेयर को तो Nc6 खेलने का कह सकता हूँ, लेकिन कई बार C4 नहीं किया और सामने वाले ने मूव ऑर्डर चेंज करके, अगर कोई कोले सिस्टम का प्लेयर है या लंदन सिस्टम का प्लेयर है तो कोले सिस्टम वाला प्लेयर E3 करता है, लंदन सिस्टम वाला प्लेयर बिशप F4 करता है। तो यहाँ पे अगर C4 होता है थर्ड मूव में, तो मूव ऑर्डर चेंज होके हम अपनी थर्ड NF3 में ला सकते हैं। तो ये थर्ड NF3 की लाइन हो गई। यहाँ पे हमारा रिप्लाई बिशप G4 होगा और हम अपनी अपनी लाइन में आ जाएंगे वापस। अब मैंने यहाँ पे देखाया था आपको कि पॉन टेक्स पॉन वेरिएशन है मेन। अब इंटरनल में आपको कुछ लाइंस बताता हूँ। यहाँ पे आज मूव चेंज हुआ है। यहाँ पर अगर व्हाइट ने E3 किया है तो यहाँ पे सिगोरिन की बेस्ट मूव होती है E5। सिगोरिन डिफेंस जब भी आप खेलते हो तो ध्यान रखो कि जब भी व्हाइट E3 खेलता है तो उसके रिप्लाई में ब्लैक के पास बेस्ट चांस होता है E5 करने का। तो E5 अगर ब्लैक को करने का मौका मिल जाता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन, ये ध्यान रखो। यहाँ पे एक ब्लंडर है व्हाइट की ओर से। कौन सी ब्लंडर? बिशप E2 इज अ ब्लंडर। यहाँ पे बिशप E2 ब्लंडर। आप सोचोगे कि E5 और नेक्स्ट ब्लैक की थ्रेट है E4 और यहाँ पे पिनिंग नाइट पे अटैक। तो ये बचाने के लिए अगर व्हाइट बिशप E2 करता है तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर है। यहाँ तुरंत आप खेलोगे E4। अब देखो नाइट D2, बिशप टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स बिशप और नाइट B4। अब दो दो थ्रेट आपके पास हो गई है, नाइट C2 चेक और रुक, नाइट D3 चेक और नाइट टेक्स बिशप। तो नाइट B4 की थ्रेट को स्टॉप करने के लिए कोई मूव नहीं रहती है व्हाइट के पास। यहाँ पे कंपल्सरी मूव नाइट A3 रहती है, क्योंकि कैसल भी इफेक्टिव नहीं। आफ्टर कैसलिंग सिंपल आपको नाइट C2 से उसका रुख मिल जाता है, तो कैसलिंग भी इफेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे फोर्स मूव है व्हाइट के लिए नाइट A3। आफ्टर नाइट A3 यहाँ सिंपल मूव है नाइट D3 चेक, किंग F1 और यहाँ बिशप टेक्स A3, बी टेक्स A3 और F5। दोस्तों ये स्ट्रक्चर काफी पावरफुल, ब्लैक के लिए काफी स्ट्रांग मूव है और स्ट्रांग पोजीशन भी है। आप देख सकते हो कि व्हाइट का किंग भी डिस्टर्ब हो चुका है। ये बिशप अनडेवलप्ड है, जो जल्दी बाहर नहीं आने वाला है, और पॉन डबलिंग हो चुके हैं। तो ये पोजीशन ब्लैक की टोटली फेवर में है। ब्लैक कभी भी कैसलिंग कर सकता है आफ्टर नाइट F6 और देन यू कैन डू द कैसल और अटैक। यहाँ पे एक्स्ट्रा अटैक किंग के ऊपर रहता है, तो ये पोजीशन काफी स्ट्रांग है ब्लैक के लिए। चलिए इसी वेरिएशन में कुछ और मूव। दोस्तों ये खास ध्यान रखिए, बहुत ही बड़ी ट्रैप, ऐसी ट्रैप कोई नहीं दिखाएगा आपको
d4, d5, c4, knight c6, nf3, bishop g4, e3, e5, bishop e2, e4. ये ट्रैप कोई नहीं बताएगा, बहुत ही कम लोगों को पता है। अब देखिए यहां पे बिशप e2 नहीं खेलता है, तो व्हाइट के पास एक ऑप्शन है d takes e5। यहां भी ब्लैक की फेवर में मैं आपको गेम बना के बताता हूं। यहां पे आपको करना है d takes c4। व्हाइट खेलेगा queen takes queen। यहां आपको खेलना है rook takes queen। व्हाइट रिप्लाई देगा bishop takes c4। अब एक और शॉकिंग मूव आपके लिए है knight takes d5। नॉर्मली सबको पता चलता है नाइट सेक्रीफाइस। अगर व्हाइट नाइट टेक्स नाइट लेता है तो यहां rook d1 चेकमेट है। तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर होगी, इसलिए अच्छा प्लेयर ये सब कुछ देख लेता है। तो नाइट टेक्स e5 के बाद knight f3, knight c4, डबल अटैक विद डबल अटैक। यहां पे पोजीशन बचाने के लिए व्हाइट के पास फोर्स मूव है bishop e2, और सिंपल आप सिंप्लीफाई गेम कर दो, knight takes knight, bishop takes, then bishop takes, pawn takes bishop, और एंड गेम फिर से ब्लैक की फेवर में। आप देखो ये आइसोलेटेड पोन, हियर डबलिंग पोन, तो दो दो फायदे आपको मिल रहे हैं एंड गेम के लिए। अब एंड गेम जो अच्छी खेल रहा है कोई भी गेम में, उसके लिए तो सिगोरिन डिफेंस काफी बेस्ट लाइन है, काफी बेस्ट लाइन। इसीलिए इसके सारे वीडियोस आपको देख के अपनी लाइंस तैयार करनी चाहिए। बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग है, और वर्ल्ड लेवल में, ऊपर के लेवल में ग्रैंड मास्टर के सामने भी आप ये लाइन d4 अगेंस्ट ट्राई कर सकते हो, बहुत ही मजा आएगा खेलने में। और मेरी तो फेवरेट लाइन है, जैसे मोरोजोविच की भी फेवरेट लाइन है। तो आप सिगोरिन डिफेंस की जब भी गेम सर्च करना चाहो तो मोरोजोविच की गेम आपको बहुत मिलेगी। chessbytes.com में आपको सिगोरिन डिफेंस मतलब d4 d5 c4 एंड c6 और knight f3 bg4 करके आपको सर्च करना है तो बहुत सारे गेम्स मिल जाएगी। एक और वेरिएशन जो है उसके लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। वो दोस्तों टीवी सीरियल में आता है कि कोई भी पार्ट पूरा नहीं करते, उसको अधूरा रखते हैं, ताकि कोई भी हम सीरियल देखते हैं तो अगले एपिसोड के लिए हम उसका इंतजार करें। तो मैंने कुछ ऐसा ही सोचा है मेरी चैनल के लिए, मेरे फायदे के लिए, कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में इससे अलग वेरिएशन आपको दूंगा। तो अगला जो वेरिएशन है उसके लिए ध्यान रखो, अगला वीडियो में d4 d5 c4 knight c6 और थर्ड NC3 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात।